अस्सलाम वालेकुम, एक क्लास कैसे हैं बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। तो आज हम लोग अंदाजी गुफ्तगू जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 40 पे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है अंदाजी गुफ्तगू के बारे में, हमारी टीम में हमें क्या रहनमाई होती है। तो ये कुरान तालमात में हम देखेंगे तुकमान में तला ने हजरत उस्मान हजरत तुकमान की बात जीतू का जिक्र फरमाया कि जो जो उन्होंने बेटे को की थी उसमें से एक ये भी थी, और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना क्योंकि ऊँची आवाज़ गदमों की थी और कुछ शक नहीं सबसे बुरी आवाज़ गदमों की है। इस कुरानी आयत में ज़ाहिर ऊंची आवाज़ को नापसंद किया गया है, लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि आदमी हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करे, बल्कि अगर देखिए आवाज़ से तशबीह देकर वादा किया गया कि नापसंद आवाज़ कैसी होती है। बाज़ औक़ात ऊंची आवाज़ में बोलना जरूरत का तकादा होता है, यही ऐसी सूरत में ऊंची आवाज़ में बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ऊंची आवाज़ में कलाम करना इस सूरत में नापसंदा है, जब इसका मकसद किसी पर उपमाना और बदली ज़ाहिर करना है। इस सूरत में बुलंद आवाज़ में बोलने को गदे की आवाज़ तशबीह दी गई है और इससे बदतरीन आवाज़ अगर सवाल है इंसानी शख्सियत पर अंदाज़े गुफ्तगू के क्या असरात मतलब होते हैं। तो अंदाज़े गुफ्तगू और इंसानी शख्सियत, अंदाज़े गुफ्तगू भी इंसानी शख्सियत को जानने का बेहतरीन पैमाना है। बाकी शख्स की गुफ्तगू से सुनने वाले जो पर जो दस्त कायम होता है उसकी शक्ल से होता है ज़ाहिर हालत से कहीं ज़्यादा अहम देर का होता है। एक बार सूरत आदमी भी महज अपने शीरी कलाम के लिए जो लोगों के दिलों में जगह बना रहता है, इस तरह एक इंतहाई खूबसूरत शख्स अगर अंदाज़े गुफ्तगू में जाने ना तौर पर तरीका अपनाए तो लोग इसे बेदार हो जाते हैं। गुफ्तगू सोच का अक्स होती है और सोच अमल की बुनियाद बनती है। इससे गुफ्तगू की वजह से इंसान के बातों को जानना ज़्यादा लाजिम है कि आप अपनी गुफ्तगू में अल्फाज को चुनाव सोच में करें। इस तरह अल्फाज की जगह में ठहराव तैयार होता है, बातचीत में बनावट काम ना दर्जा बनाने के लिए रेज करें। ठीक हो गया जी, आज का आप लोगों का यही लेक्चर है। तो आपने इसका बेटा बहुत अच्छे से इसका सीवरक करना है, ठीक है आप लोगों ने। और सीवरक करने के बाद आप लोगों ने डेट ये मैंशन करनी है, आप लोगों ने इसको क्वेश्चन लिखना है, उसके आंसर लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन को याद करना है। ठीक हो गया, और अच्छे से लिखना है आप लोगों ने।